अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मेरा नाम लक्ष्मण है। डॉक्टर साहब, आपने एक मर्तबा भारत में या फिर कहीं अपने बयान में इस प्रकार बताया था कि जो श्रुति और जो सिमृति जो शास्त्र है तो उसमें से ज़्यादा बेहतरीन वो है कि आप श्रुति जो शास्त्र है उनको फॉलो करें, दैट्स मीन वेदास को फॉलो करें। बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता, बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो करें, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी जैसे एज अ मुस्लिम अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लास्ट बुक है जिनका उनका मानना है कि उनके ऊपर वो वही आई हो पूरी दुनिया उम्मत के लिए, जो क्या बोले रहमत का वगैरह ये है, जो तो आप कुरान मजीद को फॉलो करते हैं, तो आप अगर खुदा की लास्ट बुक फॉलो करते हैं तो एज आप परफेक्ट है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो करता हूँ तो आप कहते कि इम्परफेक्ट है। भाई लक्ष्मण का बहुत अच्छा सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने तकरीर में इंडिया में कहा हूँ कि हिंदुज़म में दो किस्म की किताबें हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से डायरेक्ट आती है, और स्मृति मतलब इंसानों की लिखी। ये दोनों में से श्रुति जो भगवान की तरफ आती है, जो भगवान की तरफ से आती है वो ऊंची किताब है। अगर श्रुति और स्मृति में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे श्रुति भगवान की किताब, ना के स्मृति जो इंसान की किताब। भाई साहब सवाल पूछते हैं कि मैं फॉलो करता हूँ भगवद गीता जो आखिरी किताब है, आप फॉलो करते हैं कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी किताब है, तो फ़र्क क्यों? भाई साहब आपको थोड़ी गलतफहमी है, कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है। सॉरी, बिल्कुल सही, छोटी गलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं हिंदू से कहूँ भगवान से, तो क्या आएगा? श्रुति में आएगा। हम कहते हैं अल्लाह का कलाम। अगर अल्लाह के कलाम और रसूल की बातों में हम कहते हैं हदीस में टकराव है तो हम फॉलो करेंगे कुरान को। सही, अल्लाह के रसूल की किताब हदीस और कुरान में कभी भी टकराव नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हदीस ज़ईफ़ भी होते, मौजू भी होते, अगर टकराव है तो हदीस सही नहीं हो सकती। तो लेकिन कुरान और हदीस दोनों का मैं फॉलो करना चाहिए, लेकिन हायर लेवल पे है कुरान। सर, जिस तरीके से जो सिमृति शास्त्र है, सिमृति का मतलब सिमरन करना, याद करना, ठीक है, जो याद किया हुआ। तो अगर मैं आपके ही परसेप्शन से बात करूं तो जो कुरान मजीद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई, तो वो याद करते थे फिर वो सुनाते थे, तो आप भी एक तरीके से सिमृति शास्त्र फॉलो करते, ये मेरा क्वेश्चन है। नहीं, हम दोनों को याद करते हैं, हदीस को भी याद करते, कुरान को भी याद करते, लेकिन याद करने में हम जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कई मिसालें, कई प्रूफ है, मैं लेक्चर दिया हूँ, इज द कुरान गॉड्स वर्ड। याद हम दोनों को करते हैं, याददाश्त से साबित नहीं कर सकेंगे तो सही हो ही नहीं सकती। सही हदीस के भी कोई मुहद्दिस है, वो बोलेंगे मैंने सुना इनसे, फलाना से, फलाने से, फलाने से, फिर जाएगा साहबा इनके पास, फिर जाएगा साहबा के पास, फिर जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। उसी तरीके से कुरान मजीद में भी मैंने सीखा मेरे वालिद से, मेरे वालिद ने सीखे उनके उस्ताद से, जाएगा जाएगा फिर जाएगा साहबा के पास, साहबा से जाएगा अल्लाह के रसूल के पास। आप समझ रहे ना? तो दोनों का याद करने का तरीका सेम है, लेकिन एक है अल्लाह की किताब, एक है रसूल का कहना और रसूल के अमाल, उसे कहते हैं हदीस। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों याद की जाती है, आप समझ रहे ना? लेकिन एक है अल्लाह की तरफ से, एक है रसूल की तरफ से। तो सर, इसी तरीके से जो हमारी जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता, वो भी जैसे आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी कुरान मजीद है, तो इसी तरीके से हम भी जो सिमृति में जो परफेक्ट जो वन है उसको श्रीमद् भगवद गीता समझते हैं। जानता हूँ मैं, लेकिन आप कोई भी हिंदू स्कॉलर से पीछे उससे पूछिए श्रुति ऊंची है क्या स्मृति, वो कहेंगे श्रुति। भगवद गीता जैसे सर श्रुति शास्त्र में भी आ सकता है, क्योंकि अगर वेदास के मुताबिक जो हमारे श्री कृष्ण है वो भगवान के अवतार है, तो भगवान ने जब खुद भगवद गीता को बोला तो वो फिर सिमृति में कैसे काउंट होगा? वो आपके पंडित से पूछे। भगवद गीता, भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। आई नो, आई एम द फॉलोअर प्रभुपाद। बराबर, आप स्वामी प्रभुपाद
स्वामी प्रभुपाद की गीता पढ़ चुका हूँ मैं, ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूँ मैं, तो वो भी। और मेरा उनसे जो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण मिशन इस्कॉन, इस्कॉन यस, इस्कॉन यस यस, उनसे मेरा 1-to-1 डिबेट डिस्कशन भी हो चुका। मैं डिस्कशन किया था, हम डिबेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम, सॉरी सर, समझे ना। उन्होंने भी माना, क्या ये श्रुति है? श्रुति है ना, श्रुति है, सॉरी वो माना स्मृति है, लेकिन क्या कहते स्वामी, स्वामी प्रभुपदा, प्रभुपदा यस, क्या कहते वो, भगवत गीता इज द नेक्टर ऑफ वेदा, यस नेक्टर, यस नेक्टर ऑफ वेदा मतलब वेद का नीचो, भाई साहब आप बात करेंगे, मैं बात करेंगे, सॉरी सर सॉरी। आपने सवाल पूछा जी, मैंने पूछने दिया जी, जवाब मैं दूं या आप दूं? आप देंगे, आप सुनेंगे जरा? जरूर। तो स्वामी प्रभुपदा कहते हैं, वो कहते कि वेद जिस तरीके से गाय है, वेद गाय है, उसका दूध निकालते वो है भगवत गीता, बराबर। वो कहते मैं मानू ना मानू अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा, एक होती है स्मृति जो भगवान की तरफ से है, एक है इंसान की तरफ से लिखी गई किताब। भगवान से लिखी गई किताब का निचोड़ एक इंसान लिखे तो क्या भगवान की किताब से अच्छा हो सकता है? और जवाब है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भगवान की किताब कुरान मजीद है, एक इंसान उसको समराइज करके लिखेगा, कोई भी तर्जुमा कुरान का 1% भी नहीं है। तो तर्जुमा है वो इंसान की तरफ से। कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, क्योंकि कुरान इतनी महान किताब है, इंसान जब तर्जुमा करता है, कोशिश करता है कि उसका ग्लिम्स दे, तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कुरान का तर्जुमा कुरान से बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो जब मेरा बहस हुआ इस्कॉन वाला, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते, लेकिन ये हमारा मानना है। तो मैंने उनसे कहा, अगर वेद कॉन्ट्रडिक्ट करे, भगवत किसमें मानेंगे? वेद में ही मानना चाहिए आपको, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया तो अलग बात है, आप समझ रहे। तो वेद इज द हाइएस्ट बुक, सबसे ऊंची बुक वेद है, वेद के बाद आते उपनिषद। स्मृति में, स्मृति में सबसे ऊंची है भगवत गीता, स्मृति में, बट श्रुति से ऊंची नहीं है। अगर कुछ लोग मानते हैं श्रुति से ऊंची, वो उनकी गलत फहमी है, मैं क्या करूं, आप समझ रहे ना। अगर कोई गलत फहमी से मानता है, मैं क्या करूं, ये है हिंदू स्कॉलर्स का कहना, मेरा कहना नहीं। तो एक आदमी गलत सोचता है, उसकी सोच है, आप समझे। बट चाहे श्रुति में मानो, भगवत गीता में मानो या वेद में मानो, भगवत गीता में भी लिखा है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 20 में, दोज मैं कहता हूं बाद में आप देख लीजिए, अच्छा अच्छा बोले, दोज हु आर एंटाइगल विद मटीरियल थिंग्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 18-19-20 खोल के देख लीजिए। आपके प्रभुदा की ट्रांसलेशन है ये, क्या, those who worship demigods, they will go to the demigods. They are materialistic people. और ये वर्ड materialistic ट्रांसलेशन है स्वामी प्रभुदा का संस्कृत से। तेरा सर, ये चैप्टर नंबर 9 है, सॉरी वर्स नंबर 25 यांति देवाव्रतान, वो नहीं, वो नहीं, आप चैप्टर नंबर 7 देखिए। आप क्यों 9 खोल रहे? आपको 7 और 9 में फर्क लगता है क्या? ये अच्छी बात है, मैं 7 कोट करो, आप 9 में जा रहे। Yes, but I am not the worshipper of demigods. Demigods are different. मैं आपको कहां क्या, मैंने जो बोला सही है क्या? नहीं देखो ना जी, एकदम परफेक्ट। क्यों क्यों तो क्यों आप लोग को दूसरी जगह लेके जा रहे? नहीं नहीं सर, भाई साहब लक्ष्मण भाई, कम से कम हक का साथ तो दो। मैं कोट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7, आप बोलते चैप्टर नंबर 9, मेरे पास कोई किताब नहीं, मैं दिमाग से बात कर रहा हूँ, बराबर। तो आप अगर मैं 7 कोट करूँ, आप मुझे नहीं नहीं डॉक्टर साहब चैप्टर नंबर 9, अरे भाई मैं भी भगवत गीता का स्टूडेंट हूँ, बराबर ना। ओके, मैं स्वामी प्रभुपदा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, हूँ क्या? नहीं, मैं मेरे दिमाग से कोट कर रहा हूँ, बराबर ना। तो आप, मैं जब चैप्टर 7 कोट कर रहा हूँ, चैप्टर 9 में क्यों जा रहे? बट मुझे लगा कि आपने वो जो श्लोक जो कोट किया ना, कि जो भूतों की पूजा करते भूतों के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने, यांति देवा व्रतान देवान पितर यांति पितर व्रता भूत यांति भूते जा यांति मत यज्ञों विपाम, तो मेरे भक्त है वो मेरे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए ना हम भूतो ना प्रेतो
ना क्या बोलते हैं कि जो पितर है, जो मेरे एंसेस्टर है, उनकी पूजा ना करते हुए, ना डेमी गॉड्स की भी पूजा ना करते हुए, तो भगवद गीता कहती है कृष्ण की पूजा करना, भूत परस्ती गलत है, मानते हैं? नो, कृष्ण की मूर्ति रखना भगवद गीता के मुताबिक परफेक्ट है। चैप्टर नंबर 12, जब अर्जुन ने पूछा कि मैं किसकी पूजा करूं, तो भगवान ने चैप्टर नंबर 12 दूसरे श्लोक में बताया कि अगर कोई मेरी साकार रूप की पूजा करता है तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए मैं भगवद गीता को फॉलो करता हूँ। उसका मतलब भगवद गीता में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा कि भगवद गीता में लिखा बुद्ध परस्ती खराब है। मैंने नहीं कहा सर। अरे आपके आपके स्वामी प्रभु पदा ने कहे डेमीगॉड्स की पूजा करना अनइंटेलिजेंट मैन है। आई एम नॉट फॉलोइंग डेमीगॉड्स, सॉरी, ओनली कृष्णा, कृष्णा को फॉलो करता हूँ। मोनोथियज्म, पॉलीथियज्म नहीं, सबको मैं भगवान नहीं मानता, सिर्फ एक को मानता हूँ। आप अगर डेमीगॉड का नीचे फुटनोट में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आइडल वर्शिप ऑल्सो। यस, मैं डेमीगॉड्स की वर्शिप नहीं करता ना। आइडल की वर्शिप करते क्या नहीं? आइडल के मुताबिक, आपके मुताबिक आइडल है कि एक मूर्ति बनाना, बट मेरे मुताबिक आइडल है कि कृष्ण। मैं आपके मुताबिक नहीं चलने वाला हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अभी हम बहस नहीं करें, बराबर, ये डिबेटिंग टाइम नहीं है। अच्छा सर, सॉरी। आप अगर बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे। चलिए ठीक। आप ये मानते हैं कि डेमी गॉड की पूजा करना का, आप करते क्या? मैं बात ही क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डेमी गॉड की पूजा नहीं करता। भाई साहब, मैंने आपको मौका दिया सवाल पूछने का, आप मुझसे डिबेट करना चाहते क्या? तो ये रूल को तोड़ना सच अच्छी बात है। आप हमारे रूल को तोड़े कर तोड़े क्या नहीं? नहीं नहीं सर, अभी आप बोले मैं सुनूंगा। तोड़े क्या? हाँ क्या नहीं, तोड़े क्या नहीं? और मैं तो माशाल्लाह सबर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गैर मुस्लिम भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा हिंदू भाई सामने खड़ा। मुसलमान होता वही भाई, मुसलमान होता था ना, मैं बोलता था हट जा भाई, क्योंकि तुम मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं सफर कर रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन इज्जत करने का मतलब नहीं कि आप सब लोग का टाइम, हजारों लोग है इधर, बराबर ना? मैं तो खाली वेद के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवद गीता के बारे में। अगर भगवद गीता और वेद में टकराव है, वेद में लिखा है पितासेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 नातस्यपतमस्ति, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 नातस्यपतिमास्ति, प्रतिमा मीन्स अक्ष, ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्टैच्यू। नातस्य प्रतिमास्ति, वो खुदा, वो भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अभी मैं कोट कर रहा हूँ वेदा। अगर वेदा और भगवद गीता में टकराव है तो हिंदू मजहब के हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए वेद। आप नहीं करते, मैं क्या करता हूँ? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। मैं भगवद गीता फॉलो करता हूँ। करो ना, आपको जिसको फॉलो करने का करो, लेकिन मैं तो आपको बोल सकता हूँ ना, क्या मैं जानता हूँ इल्म के बारे में? आपको भगवद गीता को फॉलो करने का, स्वामी प्रभुदा को फॉलो करने का, स्वामी प्रभुदा को पूछने का, मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। मैं खाली कह सकता हूँ क्या ये आपके किताब में लिखा है, आपको फॉलो करने के फॉलो करो, मत करने के मत करो, क्योंकि कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कभी भी किसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो मैं ही कहूंगा, नो प्रॉब्लम, मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, बराबर ना? थैंक यू। आप जाके फिर से तहकीक करो, बराबर ना? आपके मेरा क्राइटेरिया क्या है? कोई मुझसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे टक्कर का लेके आओ। लोग बोलेंगे अरे बच्चे से डिबेट कर रहा है आखिर, मेरी भी इज्जत है ना भाई, है क्या नहीं मेरी इज्जत? आपको मैंने सुना है। अभी फिर से बात कर रहे हैं आप, फिर से बात कर रहे हैं। आपके श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, लाखों लोग उनको भगवान मानते हैं, पता है आपको? नहीं, आप नहीं मानते, आप तो मानते नहीं भाई, आप तो कृष्ण के भक्त है। जी सर। किसके भक्त है? कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के भक्त है। लेकिन मैंने डिबेट किया श्री श्री रविशंकर, हजारों लोग उसको भगवान मानते। उनने कहा मैंने 4 साल की उम्र में भगवद गीता को रख दिया, मेरे डिबेट में एक श्लोक ने बोली भगवद गीता के बारे में, 4 साल की उम्र में, बाय मेमोरी। तो मेरा कहना यह है, आप अगर चाहते हैं मेरे से कोई डिबेट करे
तो मेरा मजमा 10 लाख का है, कम से कम 2% तो लेके आओ, 20,000। आपके हिंदू में से कोई भी 20,000 इकट्ठा कर सकता है और मुझसे डिबेट करना चाहता मैं करूंगा। नो सर, 20,000 वन सिटिंग, बराबर। और कई हिंदू है, आपके जग्गी वासुदेव, आपके रामदेव बाबा, आपके श्री श्री रविशंकर, उनको $1 मिलियन देंगे तो भी नहीं डिबेट करेंगे मेरे साथ। वो तो भूल चूक से कर लिए श्री श्री रविशंकर ने और पछता रहे। मैं आपसे डिबेट करूंगा तो लोग बोलेंगे बच्चे से डिबेट कर रहा है। नमस्कार, समझे ना। लेकिन मेरी इल्तिजा है कि आप कुरान मजीद भी पढ़िए। आपके स्वामी प्रभुपाद बोलते ना कुरान पढ़ना हराम में, नहीं बोलते ना? नहीं बोलते माशा। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है मेरे भाई से, छोटे भाई से, कि कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो। उसको मानना जरूरी नहीं है, बराबर ना? ठीक है। अभी इतने घंटे आपने दिए, मैंने आपको टाइम दिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुले दिल से कुरान मजीद पढ़ो। उसके बाद कोई मजबूरी नहीं मानना है मत मानो। आपको कोई, जिस तरीके से मैंने भगवद गीता पढ़ा, यस, एक बार नहीं कई बार,